हैं अब कुछ छत्तीसगढ़ की खबरों का। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल इस वक्त कलेक्टर कॉन्फ्रेंस ले रहे हैं और कानून व्यवस्था की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री ने भूपेश बघेल ने यह कहा कि प्रशासन की सजगता से ही कानून व्यवस्था की स्थिति बेहतर हो सकती है। संचार क्रांति के दौर में एक स्थान की घटना का असर पूरे प्रदेश और देश में होता है, इसलिए जिम्मेदारी बहुत अधिक है। भूपेश बघेल ने कहा, छत्तीसगढ़ शांति का टापू है, कानून व्यवस्था को बनाए रखना हमारी प्राथमिकता है। हर स्थिति में राजस्व मामलों का निराकरण होना ही चाहिए। इस खबर पर और ज्यादा बातचीत जानकारी के लिए हम रुख करेंगे। अभिषेक शुक्ल न्यूज एडिटर हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ गए हैं। अभिषेक, हम छत्तीसगढ़ के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें तो बीते दिनों जिस तरह से चाहे जशपुर में हिट एंड रन का मामला हो या फिर कवर्धा हिंसा का मामला हो, तमाम ऐसे मसले हैं जिस पर विपक्ष ने भी कई सवाल खड़े किए हैं। प्रदेश के लॉ एंड ऑर्डर पर कई सवाल खड़े हुए हैं। मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जो बैठक कलेक्टर कॉन्फ्रेंस की चल रही है, इसको लेकर जुड़ी क्या अपडेट्स है फिलहाल? बिल्कुल दीपक, देखिए ये कलेक्टर कॉन्फ्रेंस मुख्यमंत्री सुबह 11 बजे से लगातार ले रहे हैं। पूरे प्रदेश के कलेक्टर्स यहाँ पर मौजूद हैं और ये बैठकें क्योंकि कोरोना काल की वजह से काफ़ी समय से नहीं हो पाई थी, इसलिए ये बैठकें लगातार चल रही हैं। लगभग 23 बिंदु हैं बताया जा रहा है जिस पर चर्चा हो रही है। एक एक बिंदुवार मुख्यमंत्री चर्चा करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। सबसे अहम जो उन्होंने, जैसा आपने बताया भी, कि जिम्मेदारी बहुत अधिक है, सोशल मीडिया का समय है, संचार क्रांति का समय है और शांति व्यवस्था बनी रहे, ये बहुत अहम है। कवर्धा की जो घटना हुई थी उसको लेकर मुख्यमंत्री ने सभी कलेक्टर्स को इस बात के लिए ताकीद की कि आपको इन तमाम चीज़ों पर बड़ी जिम्मेदारी से ध्यान रखना होगा, क्योंकि एक भी घटना का रिएक्शन पूरे प्रदेश में होता है। घटना तत्काल संचार क्रांति के माध्यम से पूरे प्रदेश में और देश में पहुंचती है, इसलिए छत्तीसगढ़ शांति का टापू है तो प्रशासन की भी जिम्मेदारी अधिक है कि वो ग्राउंड के साथ साथ सोशल मीडिया, संचार के तमाम माध्यमों पर भी नज़र बनाए रखे। उसके अलावा उन्होंने राजस्व को लेकर साफ तौर पर कहा कि राजस्व के जो मामले हैं वो समय सीमा में निपट जाएँ ताकि लोगों को किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। उनकी महत्वाकांक्षी योजना नरवा गरवा घुरवा बाड़ी को लेकर भी उन्होंने कहा कि नरवा योजना जो है, जहाँ पर जल किस लेवल पर है उसको देखते हुए उसको काम किया जाए, और मुख्यमंत्री की जो योजना है सुपोषण योजना, और ख़ास तौर पर अगर हम बात करें महिलाओं को लेकर सुपोषण की बात या छोटे बच्चों को लेकर सुपोषण की बात, उसको बाड़ी योजना से जोड़ने की उन्होंने बात की और तमाम तरह के निर्देश उन्होंने दिए हैं। कुल मिलाकर दीपक, मकसद ये है कि सरकार ने लगभग 2.5 साल तक बहुत सारी बेहतरीन योजनाएं बनाई हैं, उन योजनाओं को अब ज़मीन पर बहुत तेज़ी के साथ उतारने का वक्त आ गया है। तो पूरा फोकस इसी बात पर मुख्यमंत्री का है। पहला तो ये कि आप शांति व्यवस्था बनाए रखें, प्रशासनिक क्षमता उसमें दिखनी चाहिए। दूसरा, जो सरकार की योजना है वो ज़मीन पर अब पहुंच जानी चाहिए बहुत तेज़ी के साथ। ठीक, ये तमाम चीज़ें उन्होंने वहां पर कही है। उसके अलावा एक ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाने के लिए भी उन्होंने कहा है, 1 महीने का समय दिया कलेक्टर्स को कि आप उसको लेकर एक प्रोजेक्ट तैयार करें और तत्काल पेश करें। तो ये बैठक लगातार चल रही है, चर्चा अभी भी लगातार जारी है दीपक। यहाँ चलिए, आप इस बैठक से जुड़ी अपडेट्स हम तक पहुंचाते रहिएगा। अभिषेक, अपडेट्स आपसे लेते रहेंगे हम। बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत के लिए।